नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल चैत्रास क्रिएशन पे। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल बटन आएगा, उसे भी दबाना है ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके पास कार है और उसे खड़ा करने के लिए कंपाउंड के अंदर जगह नहीं है या गैरेज नहीं है, तो आप रोड साइड ही खड़ा करते हैं। रोड साइड जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो ऑब्वियसली रैट्स जो होते हैं वो उस पे घुस जाते हैं, और बैनेट के अंदर जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं, इंजन के वायर्स होते हैं, उसे काट कर वो डैमेज करते हैं। तो हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे रैट रिपेलेंट का, रैट एक्स। ये बढ़िया पैकिंग के साथ आया है। मैंने पहले भी कहा ये रिपेलेंट है, जैसे मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं ऐसे वो किल नहीं करता, ऐसे ही ये रैट को किल नहीं करता है, इसे भगाता है। उसके स्मेल जो है, कॉन्सेंट्रेटेड स्मेल है, उसके स्मेल के कारण रैट्स या रोडेंट्स कार के आसपास भी नहीं आएंगे। इसे स्प्रे करने के लिए कुछ ज़रूरी कॉशंस है, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। कोई भी रिपेलेंट्स हो वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इसलिए उन्हें आग से दूर रखना चाहिए और बच्चों से भी दूर रखना चाहिए। कुछ कॉशंस है इनमें दिया गया है, हाउ टू यूज़ और कैसे प्रिकॉशंस लिए जाए, और इसके अंदर एक ग्लव्स और मास्क भी दिया गया है जो हमें सेफ्टी मेजर्स के लिए पहनना है पड़ेगा। ये मास्क अच्छी क्वालिटी के है लेकिन ग्लव्स यूज़ एंड थ्रो है, इसे एक बार यूज़ करके आप फेंक दें तो अच्छा होगा। ये देखिए रैट एक्स, ये 50% ऑफ ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने ख़रीदा। इसके पीछे कॉशंस लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़ डायरेक्शंस लिखा हुआ है, उसे पढ़कर ग्लव्स और ये मास्क पहनकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे स्प्रे करके दिखाती हूँ। कोई भी केमिकल हो उसे यूज़ करने से पहले आप डायरेक्शंस टू यूज़ ज़रूर पढ़ लें और सेफ्टी मेजर्स ज़रूर फॉलो करें ताकि हमारा हेल्थ पर वो इफ़ेक्ट ना करे। इसके लिए हमें ये मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। ये फ्यूम्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ये फ्यूम आँखों में या गले में जाने से आपको इरिटेशन हो सकती है। इसके पीछे हाफ बॉटल तक यूज़ करने के लिए बताया गया है लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप देख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहना चाहिए, ये वंस फॉर ऑल नहीं हो जाएगा। एक आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप इसे हफ्ते में या 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहे तो ये चूहों को भगा देगा। ये रिपेलेंट है तो मैंने सोचा ये हीट या बेगोन के जैसा बैड स्मेल देगा, लेकिन स्प्रे करने के बाद मुझे इससे मिंट वाला स्मेल आया। स्प्रे करने के बाद मैंने थोड़ी देर बैनेट को क्लोज करके रखा था तो ये मिंट वाला स्मेल दे रहा था। जब भी इसका इस्तेमाल करें, इंजन ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है, गर्म इंजन पर इसको स्प्रे ना करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल भी रहा होगा। इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके उस प्रोडक्ट का डिटेल देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मेरी चैनल चैत्रास क्रिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।